जज के नाते ही हमने देखा यहाँ पर 12 तारीख की तरफ से लोग वापस आना शुरू हो गए हैं शाम का, और इस लोगों की वापसी शुरू हो गई है क्योंकि 12 तारीख पर जो लोग जाते हैं वहाँ पर तफरी करते हैं, वो एक तफरी मुकाम है दरिया रावी के अंदर। तो मैं समझता हूँ लोगों के लिए अच्छी इंटरटेनमेंट का जरिया ये बन सकता है, जहाँ पर अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, लोगों को ज़्यादा सहूलतें मुहैया करे, उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर ऐसी सहूलतें इकदाम देने होंगे आवाम के लिए, पब्लिक को जो बेनिफिट्स हो, लोग आए फैमिलीज का, इस सेफ्टी मैस को भी देखना होगा। उसके बावजूद तो हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे मसाइल दिखाई दे रहे हैं। एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा सबसे जो बड़ा इशू है एंट्रेंस पे, वो स्लिपरी एरिया है, क्योंकि बारिश हुई है, बारिश के बाद यहाँ पर दरिया तक पहुँचना बहुत नामुमकिन सा दिखाई दे रहा था। इसके लिए सेफ्टी मेजर्स का होना ज़रूरी है, टाइल्स वगैरह वहाँ अगर लगा दी जाएँ तो उससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और यहाँ पर खाने पीने का भी कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किया गया, यहाँ पर ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि जो लोग फैमिलीज़ या यंगस्टर जितने यहाँ पर आते हैं आकर उन्हें इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें ऐसी मुहैया की जाएँ ताकि एक स्केटिंग ट्रैक ही हो या इस तरह रिलेटेड बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं नौजवानों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए, वसाइल यहाँ पर काफ़ी उनका भुगतान पाया जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट को या शुभाशी को चाहिए कि यहाँ पर आवाम को सहूलियात जो मुहैया करना उनका अवलिन तरजीह होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या करना है वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमें मेट्रो दीगर चीज़ों के अलावा भी कुछ करना होगा। तो आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहूँगा, अपने मेज़बान अली काम को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा एक नई जगह से आपसे बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।